लॉन्ग डेज जर्नी इन टू नाइट का एक्ट वन देखेंगे आज हम। समर है, 8:30 AM है, जस्ट उन्होंने ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। टायरन और मैरी इंटर होती है और एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर वो दोनों बैठ के बात करने लगती है। मैरी की जो वेट बढ़ गई थी 20 पाउंड, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैरी कहती है कि शायद मुझे कम करना चाहिए। तो टायरन कहते हैं इसी वजह से तुमने शायद कम ही ब्रेकफास्ट किया। तो मैरी कहती है कि मैं आपकी तरह ग्लटन तो नहीं हूँ, यानी पेटू तो नहीं हूँ। टायरन कहता है शुक्र है मैं हालांकि 60 का हूँ, लेकिन मेरे जो डाइजेस्टिंग पावर है वो एक जवान आदमी की तरह है। इतने में एडमिंट की जो कॉफ़ी है वो खांसने की आवाज़ से वो दोनों इंटरप्ट हो जाते हैं। मैरी कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट बैड कॉल है। तो टायरन कहता है कि फिक्र ना करो तुम, बल्कि अपना ख्याल करो। इसके बाद एडमिन और जेमी इंटर हो जाता है, जो कि दोनों सन्स है, ठीक है। तो बातें करने लगते हैं। फिर टायरन की स्नोरिंग के बारे में काफ़ी मजाक करता है, क्योंकि टायरन क्या करते थे, रात को खर्राटे लेते थे। टायरन जेमी को उसकी लेजीनेस पे क्रिटिसाइज़ करता है कि तुम कुछ काम नहीं करते, हमेशा सुस्त है, फलाने फिस्ताने कहता है। एडमिन उस सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अपने जो टिनन है शॉकनेस उसकी कहानी सुनाता है। तो टायरन उसको एडमिन को कहता है तुम सोशलिस्ट से, इस ये कह के उसको भी क्रिटिसाइज कर लेता है। इस तरह एडमिन क्या हो जाता है, एडमिन की एग्ज़िट हो जाता है। जेमी कहता है कि एडमिन वाकई बीमार है। मैरी कहती है कि डॉक्टर कुछ भी कहे लेकिन उसको बैड कॉल के अलावा कुछ भी नहीं है। फिर मैरी अपने जो ब्यूटी है उसके बारे में बात करती है कि मेरी ब्यूटी क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, ये कह के मैरी की एग्जिट हो जाती है। टायरन कॉल करता है अपने सन जेमी को कि तूने एडमिन के इलनेस के बारे में मैरी के सामने क्यों बात की, मेरी से ये बातें नहीं करनी चाहिए थी मेरी के सामने। जेमी कहता है कि वो अपने आप को कब तक बेवकूफ़ बनाती रहेगी मामा। जेमी कहता है कि आपने चीफ डॉक्टर डॉक्टर हादी के बारे में आर्ग्यू करते हैं, चीफ डॉक्टर को अरेंज किया है, हायर किया हुआ है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। टायरन कहता है तुझे क्या पता, तुझे $1 की वैल्यू का क्या पता, तुझे कुछ भी नहीं पता, तू वही है ना जो अपने पैसे अपनी चीज़ें हूर और लिपर में सारे स्पेंड कर लेता है। टायरन उसकी लेजीनेस और उसकी फेलियर पे जेमी को क्रिटिसाइज करता है और कहता है तू कभी अपने पापा के शुक्रगुजार नहीं होंगे, ठीक है। ये और सेकेंड पार्ट हम आगे देख लेंगे। ये था एक्ट 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्ट 1 का सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।